अभी तो नाम भी नहीं रटेंगे हम लोगों को, उसमें ये आ गया कि इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी और इंडिया के अगेंस्ट यदि कोई भी एजिटेशन होगा तो उसमें FIR दर्ज होगी और उसमें आजीवन कारावास तक की सजा होगी। इसका जब विस्तारीकरण हम करेंगे तो आज जो हम विरोध प्रदर्शन करने आए ये उसी की परिधि में आएगा। यदि छात्र नीट का विरोध करेंगे ये उसकी परिधि में आएगा, क्योंकि सरकार को यदि ये लगता है कि सरकार के विरोध में वॉइस है तो वो देश के विरोध में वॉइस मानी जाएगी। इस गंभीर प्रकरण को जब हम समझेंगे तो ये सारी आवाजें बंद होने जा रही है। सरकार ने सबसे बड़ा नुकसान ये किया है। दूसरा आपने ये किया कि अभी तक हमारे यहाँ ये कानून है, पुलिस 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तारी के बाद अपने पास नहीं रख सकती है, आपने उसे डिलीट कर दिया है। अब पुलिस जिसको चाहे तब तक चाहे पीट सकती है, कोई मैंडेटरी प्रावधान थे वो आपने हटा दिए। ये बड़ा गंभीर है और आम आदमी के जो अधिकार है उन पर बहुत जबरदस्त कुठाराघात है। इसके अलावा एक और होता था, पहले 15 दिन में 187 है ये धारा जो नई है कि पहले 15 दिन में ही पुलिस कस्टडी रिमांड ले सकती है। उसे ऐसे मैं थोड़ा हल्का समझा दूं, थाने से जब मजिस्ट्रेट के यहाँ लाते हैं तो वहाँ रिमांड चेंज होता है, वो जुडिशियल रिमांड कहते हैं, न्यायिक रिमांड, वो जेल चला जाता है। इस बीच में पुलिस को लगता है हमें कुछ जानकारी करनी है तो उन्हें रिमांड पर ले सकती है। अब ये रिमांड वाला पूरा प्रावधान हटा दिया है सरकार ने, 90 दिन के अंदर जमानत पर छूटने के बाद भी जिसको चाहे पुलिस कस्टडी रिमांड 15 दिन का ले सकती है, थाने में रख सकती है, उसे टॉर्चर कर सकती है। यानी अब सत्ता के खिलाफ बोलने वाला आदमी जमानत लेने के बाद भी पुलिस की कस्टडी में जा सकता है और उसके खिलाफ कोई जाति हो सकती है। पूरी दुनिया में ये कानून कहीं लागू नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं लागू नहीं है। अकेला कानून है जो पब्लिक के किसी भी आदमी को जब सत्ता चाहे 90 दिन तक जब चाहे पीट सकती है। दूसरा, आपने कई चेंजेस ऐसे किए हैं कि पूरे कानून का डिजिटलाइजेशन हम करने जा रहे हैं। 80 करोड़ आदमी जहां भूखे मरते हो, कंप्यूटर है उनके पास, कैसे चलाएंगे डिजिटलाइजेशन, फोन है उनके पास। भूखा नंगा देश जहां रोटी का संघर्ष हो, उस अमेरिका बनाना चाह रहे हो तुम, पर कैपिटल इनकम तुम्हारी कितनी है, खाने की रोटी तुम्हारे पास नहीं है और तुम बात करते हो हम देश को आधुनिक बनाने जा रहे हैं। तो 98% जनता को कानून से काटने की तैयारी है सरकार की, ना उन पर कुछ बोलना आएगा ना कुछ करना आएगा। और एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो किया है, 7 साल तक की सजा जिन अपराधों में होगी वो SO की मर्जी पर डिपेंड होगा, रिपोर्ट चाहे तो दर्ज करे चाहे तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। वो कह देगा मैं अभी मामले की जांच करा रहा हूं। और उस 7 साल में बलात्कार का केस भी आता है, उस 7 साल में SC ST का उत्पीड़न भी आता है, उस 7 साल में चाहे आपका सिर फटा हुआ हो, चाहे आपके कंधे और हड्डियां टूटी हुई हो, वे सब उसकी परव्यू में आते हैं। धनवान व्यक्ति थाने में जाएगा और गरीब आदमी की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया। तो एंटी पुअर एंटी नेशनल के ये रद्द होने चाहिए और गंभीरता से जो देश के विद्वान हैं, लॉयर्स हैं, बार एसोसिएशन से, उन सबकी ओपिनियन लेने के बाद तब आपको ये फॉर्म करने चाहिए।